एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता अस्वाल व्लॉग्स। तो दोस्तों सुबह का समय है और टाइम हो रहा है 7:10। तो दोस्तों आइए चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आप सबको बता देते हूँ कौन क्या कर रहा है। दीदी काम कर रही है और ये यहाँ बैठ के मुझे देख रहा है। और दोस्तों आप सबको लग रहा होगा मैं कुछ अलग तरीके से बात कर रही हूँ आज, क्योंकि आज मेरा गला बहुत ख़राब है। तो दोस्तों आप सब भी संभल के पानी पीजिएगा ठंडा, क्योंकि मैंने ठंडा पानी पिया, मेरा ये हाल हो चुका है। तो आप सब गलती मत करिएगा। तो चलिए करते हैं कुछ काम। चले दोस्तों आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली है, तो मैं अपने लिए दलिया वगैरह बनाऊंगी और वासु के लिए भी दलिया बन जाएगा, क्योंकि वो तो बच्चा है, वो तो खा ही सकता है। और बच्चे के लिए दलिया अच्छा होता है सेहत के लिए भी और उसके पचने के लिए भी, कि वो आसानी से पच जाएगा। तो चलिए आज मैं आप सबको दिखाते हूँ कि दलिया कैसे बनता है और मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो। तो दोस्तों सुबह का समय है तो हम दलिया बना रहे हैं। तो दलिया कहाँ है, दलिया है ये, इसमें हमने दलिया और मूंग की धुली दाल डाली है। ये होती है मूंग की धुली दाल, आप सबको दिख रही होगी। तो दोस्तों ये सब हमने रात को ही भिगा दिया था, क्योंकि ये दलिया था जो थोड़ा मोटा पीस चुका था, तो इसलिए। तो दोस्तों दलिया बनाने के लिए हम थोड़ा दलिया चटपटा सा बनाएंगे, तो उसके लिए प्याज टमाटर भी काटना ज़रूरी है। तो हम चलिए प्याज टमाटर काटते हैं। तो ढूंढती हूँ मैं प्याज का है, ये रहा प्याज। तो दोस्तों चलिए प्याज काटते हैं। तो दोस्तों हमारे प्याज काट चुके हैं और दीदी भी अपने नाश्ते की तैयारी कर रही है। तो चलिए अब बारी है टमाटर के, टमाटर वगैरह काट लेते हैं। मैं टमाटर काटने की स्पीड दिखाती हूँ आप सबको। टमाटर और प्याज काट लिया है। ये दलिया तो भीगा हुआ ही है, आप सबको पता है, मैंने रात को ही भिगा लिया था, मैंने बता दिया था आप सबको। तो ये तो इनके ही बन रहा है नाश्ता, दीदी और का शिमला मिर्च वगैरह, मैं और वासु दलिया ही खाएंगे। तो चलिए अब दलिया को बनाते हैं। तो दलिया हम इस छोटे कुकर में बनाएंगे। आप सबने देखा होगा मेरी अगर फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने खिचड़ी भी इसमें बनाई थी। तो हम दो के लिए बहुत है ये कुकर, तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कुकर को गर्म होने दिया जाएगा, जब गर्म हो जाएगा तब इसमें डलेगी तेल। ये छोटा वाला डब्बा हमारे जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं इसका तेल। तो दोस्तों जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं दलिया देख लेती हूँ। देखिए ये अच्छे से भीग चुका है, देख रहे होंगे। अच्छे से भिगाने का फायदा ये है कि ये जल्दी बनेगा तो गल भी जाएगा। दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, प्याज डालते हैं। दोस्तों आप सबको दिख रहे होंगे प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर
हरी मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चा भी खाएगा तो बच्चे के लिए हरी मिर्च बेकार है। टमाटर डालेंगे, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप सबको बता दें। तो दोस्तों हम नमक इसी में डाल देंगे। तो दोस्तों अब सब हम डालेंगे दलिया, ये दलिया है। अच्छे से मिला लेंगे, हम इसमें डालेंगे पानी। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको गीला गीला खाना है तो पानी ज्यादा डालना, अदरवाइज कम भी डाल सकते हो। हमें थोड़ा पानी वाला खाना है तो हम थोड़ा ज्यादा पानी डालेंगे। तो दोस्तों इसमें हमने थोड़ा कम कम डाला था शुरुआत में, क्योंकि अब थोड़ा और डाल देंगे मसाला। हेलो पापा नमस्ते, मिर्च हल्की सी और पापा, और हल्दी डाल देंगे। तो दोस्तों अब हम कुकर को लगाते हैं ढक्कन और मिलते हैं दलिया बनने के बाद। इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इसे रात को रख दिया था, तो इसलिए अब मिलते हैं हम पकने के बाद। तो दलिया रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये पानी वाला इसलिए बनाया क्योंकि मुझको जुकाम लगा था, और ये हमारे पचने के लिए आसान है और वास्तु के लिए भी स्पेशली, इसलिए मैंने पानी वाला जार मुझके बनाया। तो दोस्तों चलिए हम दलिया एंजॉय करते हैं और आप सबको मिलते हैं फिर शादी में, क्योंकि आज मुझे शादी में भी जाना है मम्मी के साथ, इसलिए तो मिलते हैं तब। घर आ चुकी हूँ और अब हम जाते हैं मैं और मम्मी शादी में, क्योंकि 12 बज गए हैं, 12:30 क्या 1 बज चुके हैं। तो मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि दीदी और क्या कर रहे हैं। दीदी और वासु दोनों खाना खा रहे हैं, तो ये दोनों खाना खाते हैं और हम सब चलते हैं, हम सब नहीं मतलब मैं और मम्मी चलते हैं शादी में। बाय 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 वाचू, बाय कर दो, बाय कर दो, टाटा टाटा टाटा, चलो बाय, चलते हैं हम अब शादी में। शादी से आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि शादी में बहुत गर्मी थी, हद से ज़्यादा, अब बारात तो आई भी नहीं, स्टार्ट भी नहीं हुआ था खाना, हमने थोड़ा लेट खाया तो अब आई हूँ मैं 2 बज के करीब। तो दोस्तों चलिए मैं ऑफिस की तरफ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप सबको अब शाम को। दोस्तों शाम का समय है और मैं घर आ चुकी हूँ, आप सब देख रहे होंगे मैंने कपड़े कपड़े चेंज कर लिया है। तो दोस्तों आइए चलते हैं कमरे में, दीदी और सब आ चुके हैं। तो दोस्तों आप सबको दिखाती हूँ मैं। तो शाम का समय है, चाय पीने का समय है, ये तो दीदी और ने बनाया है, ये क्या है, पुदीने का जूस बनाया है, मैं आप सबको दिखाती हूँ। Thank you.
सादा पानी, सादा मिलाया है हमने पानी, सादा पानी अच्छा हो रहा है। जूस इतना अच्छा है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको अच्छा लगता है। मेरी वॉइस को इग्नोर मारना क्योंकि आज मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो चुकी है ठंडे पानी की वजह से। तो चलो दोस्तों मैं बताती हूँ आपको मौसम कैसा हो रहा है। दिन से मौसम थोड़ा सा मतलब एकदम गुमसा था, मतलब हवा वगैरह कुछ नहीं चल रही थी और अभी भी ऐसे ही है सेम, लेकिन बादल फुल आ रहे हैं कि मैं आप सबको दिखाती हूँ। देखिए बारिश होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों चलिए व्लॉग का एंड यहीं करते हैं और आप सबको मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। और आप सबको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।